नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कन्नौज। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय कन्नौज पर पिछड़ों के मसीहा बीपी मंडल की 104वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष राम सेवक बाथम ने बीपी मंडल के चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज पिछड़े समाज को जो सम्मान मिल रहा है उसके लिए पिछड़े समाज का हर व्यक्ति बीपी मंडल का ऋणी रहेगा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कहा, बीपी मंडल का जन्म एक जमींदारी परिवार में हुआ था। जन्म के अगले दिन ही उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। जब वे स्कूल में पढ़ने गए तो उन्हें सबसे पहली बार पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार का एहसास तब हुआ जब उनके समाज के लोगों को जमीन पर बैठाया गया और खाने को अगले समाज के विद्यार्थियों के खाने के बाद खाना खाने को दिया गया। तब उन्होंने संकल्प लिया कि समाज की इस कुरूति को खत्म करके दम लेंगे। पीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। जब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ तो उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तब उन्होंने बचपन में जो संकल्प लिया था उसके आधार पर पिछड़े समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए पिछड़े समाज को 70% आरक्षण देने की सिफारिश की। कार्यक्रम तक किसकी जयंती मनाई गई थी? आज बीपी मंडल, जो मंडल आयोग की सिफारिशें जिनके माध्यम से हमें आरक्षण मिला, आज उनका जन्मदिन। आज समाजवादी पार्टी के लोग चाहे अगले हों या पिछड़े हों, पिछड़ों को भी अगलों ने न्याय दिलाने का काम किया था, चाहे ब्राह्मण हों या ठाकुर। लेकिन आज पिछड़ों के साथ जो साजिश हो रही है, आज जागने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने पूरे देश में नौकरियां खत्म कर दी। और नौकरियां जब खत्म कर दी तो आउटसोर्सिंग के अंतर्गत नौकरियां दी जा रही, जिसमें ना दलितों का आरक्षण दिया जा रहा है ना पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा है। जिस जात का नेता सक्रिय होता है अपने भाई बंधु नाते रिश्तेदारों को नौकरी दिला देता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोकतंत्र की बात करते थे, जो कानून की बात करते थे, जो संविधान की बात करते थे, वो किस तरीके से आज संविधान का गला घोंट रहे हैं? पहले आरक्षण की व्यवस्था थी, पिछड़ों को 27% था, दलितों को 23% था। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, कोई परीक्षार्थी मेरिट क्रॉस करता था तो वो सामान्य की मेरिट में पहुंच जाता था। अब आप 100 में 100 नंबर ले आइए, आप जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म डाला है आप उसी के अंतर्गत बंधुआ रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 79 जातियां पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती हैं, लेकिन लाभ कितना मिल रहा है? 27%, 15% वालों कितना मिल रहा है? आप ये पहले देखिए किस तरीके से पिछड़ों को पिछाड़ने की साजिश रची जा रही है। अरे क्या आप पेड़ों की गिनती करा रहे हैं, आप जानवरों की गिनती करा रहे हैं? नीलगाय इतने हैं, हिरण इतने हैं, शेर इतने हैं, लकड़बग्घे इतने हैं, मकान इतने हैं, फोर व्हीलर इतनी है, टू व्हीलर हिंदुस्तान में इतनी है, जानवर भी। तो जातिगत गणना करा लीजिए और भागीदारी दे दीजिए, जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर आप ढिंडोरा पीटते हैं, यादव ने लाभ ले लिया, कटियार ने लाभ ले लिया। अरे कौन रोकता है? मैं आज डबल इंजन की सरकार है, आप जातिगत गणना करा लीजिए, धर्मगत गणना तो आप करा ली आपने, लेकिन जातिगत गणना कब कराओगे और क्यों नहीं कराओगे? इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे यही मंशा है कि पिछड़ों को आपस में लड़ाया जाए और पिछड़ों को हमेशा पिछड़ा बनाया जाए। ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की है।